आज हम पढ़ेंगे पाठ चार संज्ञा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। भारत देश त्योहारों का देश है। इसका अर्थ है जो हमारा भारत देश है ये त्योहारों का देश है। यहाँ अनेक अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ प्रतिदिन एक त्यौहार तो होता ही है, होली दिवाली जैसे त्यौहारों पर सभी अपने अपने घर जाते हैं। इसका मतलब है जो देश विदेशों में अपना परिवार छोड़कर कामकाज के लिए जाते हैं वह त्योहारों पर अपने घर चले जाते हैं। लोग दिल्ली भोपाल लखनऊ तथा चंडीगढ़ जैसे बड़े बड़े शहरों में व्यापार या नौकरी करते हैं। मैंने भी आपको बताया उसी प्रकार जैसे दिल्ली भोपाल लखनऊ में बड़े बड़े शहरों से व्यापार नौकरी करने के लिए जाते हैं। घर जाते समय फल कपड़े मिठाइयाँ फुलझड़ी और पटाखे आदि लेकर जाते हैं। जब अपने घर वापस जाते हैं तो अनेक प्रकार का सामान जैसे फल कपड़े मिठाइयाँ फुलझड़ी पटाखे आदि सब चीज़ें लेकर जाते हैं। अंशुल और अनन्या अपने पिताजी के साथ अपने घर नैनीताल जा रहे हैं। अंशुल और अनन्या भाई बहन हैं जो अपने पिताजी के साथ अपने घर नैनीताल जा रहे हैं। रास्ते में अंशुल का पेन खो गया, इससे वह दुखी हुआ। उसका पेन जो था वह खो गया और उससे बहुत उसे दुख हुआ। घर पहुंचकर घर की सजावट देखकर अंशुल और अनन्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे जब घर पहुंचे तो घर की सजावट को देखकर अंशुल और अनन्या बहुत ही खुश हुए। घर पर माता जी के साथ सभी प्रेम पूर्वक रहते हैं। पूरे परिवार को इसकी प्रसन्नता है। वे अपने माता के साथ सभी प्रेम पूर्वक वहाँ रहते हैं, इसकी उन्हें यह बहुत ही खुशी है कि वे सब मिलकर रहते हैं। इसमें देखिए व्यक्तियों के नाम अंशुल अनन्या माताजी पिताजी, ठीक है। और इसमें स्थानों का नाम दिल्ली भोपाल लखनऊ चंडीगढ़ और नैनीताल है। वस्तुओं के नाम फल मिठाइयाँ कपड़े फुलझड़ी पटाखे। भावों के नाम प्रसन्नता खुशी दुखी और प्रेम पूर्वक, ठीक है। ये आपको नाम दिए देखे व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम और भावों के नाम। संसार में सभी अपने नाम और काम से जाने जाते हैं। इस दुनिया में सभी अपने नाम और काम से ही जाने जाते हैं, चाहे वो स्थान वस्तुएं या भाव। भाव मैंने अभी बताया ऊपर, खुशी दुख प्रसन्नता ये सब चीज़ें भाव होती हैं। उपयुक्त गद्य खंड में व्यक्तियों स्थानों वस्तुओं तथा भावों को दर्शाया गया है। इस पैरे में आपको व्यक्तियों के नाम स्थानों के नाम वस्तुओं के नाम इसमें दिखाया गया है। ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब संज्ञा है। ये जो नाम दिए गए हैं ये सब संज्ञा है। जैसे नीचे दिया गया है इसकी परिभाषा संज्ञा की, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति का अर्थ है किसी का नाम आ गया, वस्तु ये जो फल मिठाइयाँ ये सब चीज़ें आ गई, स्थान दिल्ली भोपाल लखनऊ, अथवा भाव प्रसन्नता खुशी दुखी ये सब चीज़ों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए नीचे दिया गया है, संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इन नीचे तीनों की परिभाषा दी गई है, आइए देखिए। नंबर एक पे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ है जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जी संज्ञा, ये जो हमने ऊपर पढ़ा ये सब संज्ञा थी, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु या स्थान आदि का बोध, मतलब उसमें उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं और प्राणियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका अर्थ है जिस संज्ञा में एक ही प्रकार के सभी वस्तुओं और प्राणियों, कोई चीज़ हो गई या किसी इंसान का नाम हो गया, उसका बोध उसके बारे में बताता हो तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें दिया गया है एग्जाम्पल, गांव, शेर, कुर्सी, पुस्तक, गाय आदि, ठीक है ना। आगे दिया गया है नंबर 3 पर भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी गुण, विशेषता, स्थिति अथवा दशा का बोध होता हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी गुण, विशेषता, उसकी विशेषता क्या बता रही है, स्थिति अथवा दशा, मैंने अभी बताया सुख दुख, खट्टा मीठा, ये सब भाव होता है, इसके बारे में दर्शाया गया है तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खटास, मिठास, भलाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी आदि, ठीक है। ये संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसकी विशेष नीचे दिया गया है, भाववाचक संज्ञाओं की विशेषता है कि इनका स्पर्श, छूना नहीं किया जा सकता, छू मतलब नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। आप क्रोधित व्यक्ति को देख सकते हैं परंतु उसका क्रोध नहीं देख सकते, ठीक है। और ये आपको कॉपी में करना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, ठीक है।